हुई है कि जैसे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, आप मेरे को ये बता दो दैट इफ आई वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, वॉट आर द थिंग्स स्क्रैच से मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या क्या चीजें मेरे को चल रही है एज अ फ्रेशर, पैसे की बात बता दो भैया कि कितना पैसा हम कमा सकते हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट। कह रहे हैं एक्सपोनेंशियली इसमें ग्रोथ बढ़ रही है, तो भाई इस रोल को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, डेफिनेटली घुस सकते हो। तो रहते हैं इसमें क्या पूछते हैं ये लोग, जैसे आप कह रहे हो कोडिंग वगैरह नहीं पूछी जाती है, तो इसे पूछते क्या है, वॉट आर द सबसे बड़ी मिथ रहती है कि अगर मुझे कोडिंग नहीं आती तो मैं आईटी में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स। देखिए, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक ऐसे बंदे से आपको मिलाने वाले जिसका नाम आशुतोष है, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में बिजनेस एनालिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं A to Z। बंदे को खुद को 2 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस एनालिस्ट की तरह, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, स्क्रैच से कैसे बन सकते हो, पूरा रोड में आप कितनी सैलरी मिलती है, क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनी हायरिंग कर रही है, कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स में, उन सारी चीज़ों का स्टेप बाई स्टेप, कितनी कोडिंग रिक्वायर्ड है। तो भाई एक एक डाउट्स हम लोगों ने क्लियर कर दिए, एक एक चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है। तो भाई लाइक करें, कमेंट जरूर कर सकते हो, थैंक यू सो मच आशुतोष, एंड डेफिनेटली ये सारी चीजें हम लोगों ने, एक एक चीजें, कोई भी और डाउट है आप कमेंट करके पूछना, अपन कोशिश करेंगे क्लियर आउट करने का, ठीक है। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो आउट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लाइक करें कमेंट कर देना, मजा ही आ जाएगा डेफिनेटली। चलो सो हेलो हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद आशुतोष, एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बिजनेस एनालिस्ट का पूरा रोड मैप देखने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच, एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखने वाले हैं, कैसे करना है, कोडिंग कितनी चाहिए, चाहिए भी कि नहीं चाहिए, कौन कौन घुस सकता है इस पर्टिकुलर लाइन में, जो भी डाउट्स हैं आपके सब कुछ क्लियर होने वाले हैं डेफिनेटली। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के से स्टार्ट करते हैं आशुतोष के, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच अनुराग फॉर इनवाइटिंग यू टू योर चैनल। सो मेरा इंट्रोडक्शन से बात करेंगे तो माय नेम इज आशुतोष दरेकर एंड मैं करंटली एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा हूँ इन लीड स्क्वायर एंड आई ऑल्सो रन माई अदर चैनल दैट इज बी ए प्रोफेशनल, जहाँ पे हम लोग बिजनेस एनालिस्ट को गाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर वीडियोज एंड यू नो सबसे सिंपल वे में कैसे हम लोग गाइड कर सके फ्रेशर्स को वगैरह एज दिस इज न्यूअर काइंड ऑफ रोल इन द मार्केट। राइट, बिजनेस एनालिस्ट के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है फॉर नाउ। राइट तो यस, दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। व्हेन इट कम्स टू माय प्रोफेशनल करियर, तो मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। मेरा टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज 2 ईयर्स एंड आफ्टर गेटिंग पास आउट बेसिकली मैं 2020 पास आउट हूँ। तो स्टार्ट ही मैंने एज अ बीए किया है। फ्रॉम ओके लास्ट 2 ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग इन अ प्रोडक्ट कंपनी। तो यस, आई विल बी हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस। डेफिनेटली, ये बहुत अच्छी चीज़ है, एंड अगर कोई चेकआउट करना चाहता है इनका चैनल तो डेफिनेटली मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, कॉर्पोरेट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा चैनल है, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड जैसे इनको 2 साल का एक्सपीरियंस आज तो उसको, तो भाई सबसे छोटी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है, वॉट इज अ बिजनेस एनालिस्ट? देखिए, सबसे सिंपल टर्म्स में अगर बताने जाऊं मैं तो बिजनेस एनालिस्ट इज नथिंग बट अ गेटवे, हम बोल सकते हैं, बिटवीन योर बिजनेस टीम एंड योर इंटरनल डेवलपमेंट टीम। ठीक है, अभी ओके कभी भी कोई नया रिक्वायरमेंट आता है तो बिजनेस टीम या फिर जो कस्टमर रहता है वो जाके डायरेक्टली डेवलपर को जाके नहीं बताएगा कि हमें एक्स वाई जेड डेवलप करना है। राइट, बिकॉज डेवलपर का अंडरस्टैंडिंग इज इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसी वजह से ये जो दोनों का गेटवे है, राइट, दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच करने के लिए बिजनेस एनालिस्ट जॉब रोल मार्केट में आया है एंड इट इज ओके स्पेशलाइज्ड इन यू नो मेकिंग श्योर कि हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं। हम लोग कस्टमर से बात करते हैं, उनकी बिजनेस नीड फाइंड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम लोग टेक्निकल टीम्स को बताते हैं कि हमें क्या एग्जैक्टली डेवलप करना है इन टेक्निकल टीम। ठीक है, सो दैट वो ओके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो अभी तक प्रोजेक्ट फेलियर्स होते थे ड्यू टू दिस मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिस कम्युनिकेशन या फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेलियर की वजह से, वो जो गैप बेसिक यू भर नो जाए, पेन पॉइंट था वो हम लोग ने गैप फिल कर सॉल्यूशन दे। बेसिकली निकाला है विद दिस पर्टिकुलर रोल। ओके ओके ये तो बात हो गई बिजनेस की। अगर हम लाइक एकदम लेम भाषा में समझना चाहे, अगर मान लो मैं एक ऐसा बंदा हूँ भाई, मेरे को कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, मैं अपने 12th क्लास में हूँ या मैं अपने जस्ट ग्रेजुएशन में एंटर हुआ हूँ, मेरे को जानना है कि भैया आप मेरे को ये बता दो दैट बेसिक, एक लेम का एग्जाम्पल देके कि हाँ आप करते क्या हो बेसिकली। ठीक है, तो देखिए अभी लेट्स से हम लोग कोई तो एक कस्टमर की बात कर लेते हैं। लेट्स से कोटक बैंक है। ठीक है, अभी कोटक बैंक को क्या करना है कि उसका जो सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट जो बनते हैं राइट बैंक में, उसकी मार्केटिंग करनी है और वो मार्केट करने के लिए उसको एक वेबसाइट बनानी है।
लेट्स से, ओके ठीक है। तो जो कोटक बैंक है, जाके डायरेक्टली डेवलपर्स को किसी भी कंपनी के जॉब के नहीं बताएगा, राइट, कि हमें एक्सवाइजेड बनाना है। तो हम राइट लोग बिजनेस एनालिस्ट है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओके कोटक बैंक से मिलेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट लेंगे, और वो हम लोग टेक्निकल बंदों को बताएंगे कि एक्सवाइजेड हमें बनाना है, ठीक है। ओके तो इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल काम करती है। बेसिकली हम लोग क्या है, तो वेटर है, आप बोल सकते हो, ठीक है, बेसिक हाँ टर्म्स में। जब भी आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, राइट, आप कभी भी जाके डायरेक्टली कुक को नहीं बोलते कि मुझे एक्सवाइजेड रेसिपी बनानी है। आप राइट राइट वेटर को बताते हो कि मुझे ये चीज ऑर्डर करनी है, वेटर जाके फिर बाद में कुक को बताता है कि हमें ये बनवाना है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज द सिंपलेस्ट टर्म की बिजनेस एनालिस्ट करता क्या। काफ़ी अच्छे से बताया, डेफिनेटली रिलेटेबल होगा और काफ़ी लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब भाई एक कॉमन डाउट्स रहता है लोगों में कि भाई मेरे को बिजनेस एनालिस्ट में घुसना है, ठीक है, तो मेरे को कितनी कोडिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद कौन कौन इसमें, मैं किस किस डिग्री से, मतलब एक आइडिया अगर मैं लूँ कि कौन से डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लाइक इस पर्टिकुलर रोल में घुस सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसके बारे में अगर बता दो आप तो। तो फर्स्ट थिंग इज की ये पर्टिकुलर रोल है वो ओपन फॉर एवरी ग्रेजुएट, ठीक है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि हमें सिर्फ एमबीए है तभी जाके कोई बंदा बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है, या फिर इंजीनियरिंग करी है तभी। डेफिनेटली इसमें अदर पॉइंट इज कि हमें प्रेफरेंस मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ आर एमबीए डिग्री, या फिर हमारा बीटेक या फिर इंजीनियरिंग करी है हमने। तो प्रेफर्ड इज एमबीए या फिर इंजीनियरिंग, बट डेफिनेटली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आर्ट्स से है, बीएमएस करा है, राइट, ये सब लोग भी बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है, वो सारी स्किल सेट अगर है, तो डेफिनेटली यू कैन बिकम बिजनेस एनालिस्ट। हाँ, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है भाई, बीकॉम वाले भी घुस रहे हैं इस फील्ड में, बीटेक वाले भी घुस रहे हैं, मैंने देखा भाई दूसरी फील्ड से, लाइक मैकेनिकल वाले भी ट्राई आउट कर रहे हैं फील्ड, मतलब काइंड ऑफ जो डेटा फील्ड है ना, बेसिकली मैं भी खुद डेटा फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ भाई अलग अलग लाइक फील्ड्स के बंदे भी इस फील्ड में आ रहे हैं और अडेप्ट कर रहे हैं, एज सच इतना इश्यूज नहीं होते हैं। और आशुतोष भाई एक चीज और बताओ, दैट इज कोडिंग कितनी रिक्वायर्ड है, आप कोडिंग कितनी रिक्वायर, मतलब इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, यूज किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है कोई कोडिंग लैंग्वेज? मेरे एग्जांपल से बताता हूँ, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, एंड अभी तक मैंने 2 वर्ड्स भी कोडिंग नहीं किया, ठीक है, नॉट इवन 2 वर्ड्स। तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कोडिंग की, टू बी ऑनेस्ट, नॉलेज नहीं है, बट अगर आपको कोडिंग समझ में आती है ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आप इसीलिए एक्चुअल में प्रेफरेंस देते हैं कि सीएस और आईटी में से अगर बंदा आ रहा है, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, बिकॉज उसको टेक्निकल एस्पेक्ट समझ में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कोडिंग के बारे में, तो आपको हेल्प करेगा, बट इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। बिकॉज कोई भी कंपनी में जाओगे, तो डेवलपमेंट टीम स्पेसिफिकली बिठाई जाती है टू कोड स्टफ। तो हमारा काम कोड करना नहीं है, हमारा रिक्वायरमेंट लाके कोडर्स को देना है, वो कोड करेंगे, हमें बस वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझाना है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है, और अकॉर्डिंगली हमें कस्टमर्स को दे देना है। राइट 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 ये सही कहा आपने। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, दैट इज अगर मेरे को, मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ, जस्ट पास आउट होने वाला हूँ, या अपने कॉलेज के जस्ट एंटर किया हूँ, मेरे को ना बता दो भैया कि जैसे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, आप मेरे को ये बता दो दैट इफ आई वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, वॉट आर द थिंग्स, स्क्रैच से मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या क्या चीजें मेरे को प्रिपेयर करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हो जाए प्रोसेस मेरे लिए। So, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप रीसेंट ग्रेजुएट हो, तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि एसडीएलसी प्रोसेस, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, डिजाइनिंग क्या होता है, राइट, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट एक मिनी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, आपको सारे प्रोजेक्ट को मैनेज तो करना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। और जस्ट टू गेट स्टार्टेड आपको स्किल्स सीखना है, तो टूल्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इज एक्सेल। एक्सेल हम लोग जनरली कॉलेज में रहते हैं, तो हम लोग एक्सेल को इग्नोर कर देते हैं, ज्यादा काम नहीं होता दैट टाइम। तो एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, जब भी आप आईटी में जाओगे तो एक्सेल आपको करना है। सेकंड इज एसक्यूएल, आपको सीखना पड़ेगा। एसक्यूएल इज अ मस्ट काइंड ऑफ, ठीक है, जो भी डेटा रोल के लिए आप जाओगे, एसक्यूएल उसका बेसिक है। और एसक्यूएल नहीं आएगा तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे ऐसे डेटा रोल्स में एटलीस्ट। सो एक्सेल, एसक्यूएल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल कोई भी सीख लो, उसके बाद में फ्लो चार्ट क्रिएट करना आपको आना चाहिए। बिजनेस प्रोसेसेस को आपको इजिएस्ट पॉसिबल वे में फ्लो चार्ट बनाने आने चाहिए। ये टूल सीख लोगे, स्किल सेट सीख लोगे, उसके बाद में एक रेज्यूमे तैयार करो, एंड जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग एग्रेसिवली, ठीक है। अग्रेसिवली अप्लाई करोगे, उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे, उतने ज्यादा इंटरव्यूज दोगे, और फिर जाके सिलेक्ट होगे। कभी भी पहले बॉल से हिट नहीं लगती, ठीक है, पहले बॉल बाउंसर ही आने वाले हैं,
अगर 4-5 फेल भी होते हो डजेंट मैटर, ठीक है, आपको जस्ट गो थ्रू करना है, क्योंकि इंटरव्यू भी जो रहता है ना वो नॉर्मल नहीं रहता, बिकॉज इसमें बिजनेस एज वेल एज टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर सिर्फ कोडर के बारे में रहता तो कोई प्रोग्राम पूछ लेते हैं, जस्ट आपको प्रोग्राम लिखना है या फिर कुछ बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन, बट बिजनेस एनालिस्ट के इंटरव्यू में ऐसे नहीं होने वाला है। तो आपको बिजनेस एज वेल एज टेक्निकल दोनों चीजें सीखनी है। ऑल्सो वन रिकमेंडेशन टू द फ्रेशर्स विल बी कि आप अगर कोर्सेज कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कर सकते हो, तो दैट विल बी एन एड ऑन एज बहुत वेल। हेल्प करेगा। कोर्सेज करो, यूडेमी से करो, कोर्सेरा से करो, ठीक है, बेसिक रहेंगे, जो सर्टिफिकेट मिलेगा रिज्यूमे पे एड ऑन होगा, आपके सेल्स स्किल सेट भी डेफिनेटली ग्रो करने वाले उस चीज से। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एज अ फ्रेशर, गेट द स्किल सेट, गेट द सर्टिफिकेशन, प्रिपेयर अ बेसिक रिज्यूमे एटलीस्ट एंड स्टार्ट अप्लाइंग। राइट राइट। एंड इन्होंने अभी एक्सेल के बारे में बात की ना भाई, अपन रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि आप एक आईटी में हो, आप एक टेक्निकल रोल में, डजेंट मैटर, आप एचआर हो, आप एक सेल्स पर्सन हो, भाई आजकल ना एक्सेल इतना ज्यादा, बेसिकली अगर मैं आईटी में बात करूँ ना, प्योरली टेक्निकल, अपन खुद लाइक अपन एनालिस्ट का भी काम करते हैं थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का भी काम करते हैं, टाइम इंजीनियर एज, तो बेसिकली हमें यूज पड़ता है, ठीक है। तो भाई एक्सेल आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखना अभी चालू कर दो भाई, अगर आप अपने कॉलेज ग्रेजुएट में हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि एक्सेल में यही शीट शीट बनाते हैं, बहुत काम आता है, बहुत काम की चीज है डेफिनेटली। एंड लाइक एक्सेल हाउ बहुत ज्यादा लाइक इग्नोर भी कर लेते हैं ना हम लोग, बहुत इग्नोर एक्सेल भी होता है स्पैम भाई करते हैं। डेफिनेट। अरे हम लोग खुद ने इग्नोर किया है तो दूसरे को क्या ही बोले। अपन जब कॉलेज में थे तो अपन ने एक्सेल को ऐसे ही किया कि हाँ एक्सेल ही तो, एक्सेल ही तो, एक्सेल ही तो है। एक्सेल में इतनी चीजें हैं सीखने के लिए ना डेफिनेटली, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट टूल है, सीखना चाहिए। एंड जैसे अपन ने जान लिया कि भाई ये इसके बारे में स्क्रैच से पता चल गया कि हाँ हम बिजनेस एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। अब बिजनेस एनालिस्ट में जॉब लेने के लिए, एज अ बिजनेस एनालिस्ट एक जॉब में घुसने के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस, पहली चीज तो कैसे हमें घुसना है, दूसरी चीज जैसे आपने बताया अप्लाई करना है, अप्लाई कैसे करना है, दूसरी चीज हमें एक्सपेक्टेशंस क्या है सैलरी एज अ फ्रेशर, पैसे की बात बता दो भैया कि कितना पैसा हम कमा सकते हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट। जब भी सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी ज्यादा करके रोल पे नहीं तो ज्यादा करके कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। द रीजन इज बिकॉज डिफरेंट कंपनीज रहती है, सर्विस कंपनीज, प्रोडक्ट कंपनीज, स्टार्टअप, राइट? तो सर्विस कंपनीज जो पैसा देती है दैट इज डिफरेंट, थोड़ा सा रिलेटिवली कम मिलता है। एंड वही प्रोडक्ट और स्टार्टअप देंगे तो तभी आपको ज्यादा मिलेगा। बट डेफिनेटली डाउन साइड इज थोड़ा बहुत वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका हैम्पर हो सकता है, काम भी ज्यादा करना पड़ सकता है, राइट? तो अकॉर्डिंगली बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक्सपेक्टेशंस वही रहेगा कि सर्विस में काम कर रहे तो 3.5 लाख 4 से स्टार्ट होगा, या फिर 5-6 लाख तक भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। अगर प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग भी 5-6 लाख से हो सकता है या फिर ज्यादा से भी हो सकता है। स्टार्टअप में तो और भी ज्यादा मिलने के चांसेस है अगर आप में पोटेंशियल है तो। स्टार्टअप से वगैरह क्या करेंगे, पोटेंशियल देख के आपको दे देंगे अपॉर्चुनिटी और ज्यादा पैकेज भी मिलेगा, बट वहां पे आपको काम भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपको वहां पे बैठ के सिर्फ काम नहीं होने वाला, मोनोटोनस नहीं होगा, आपको डिफरेंट एरियाज मिलेंगे एक्सपोजर के लिए, डिफरेंट चीजें करने मिलेंगी, ठीक है। वहां पे लर्निंग एटीट्यूड भी आपका बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, लर्निंग भी बहुत काफी बेटर होगी। तो राइट। करेक्ट, तो बाकी जब भी आप बाद में सर्विस कंपनीज में जाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो दैट इज व्हाट हैपेंस यहाँ पे भी। तो पैसा अच्छा है कंपेरेटिवली अगर बाकी रोल्स से हम लोग देखेंगे तो, बिकॉज कस्टमर सेंट्रिक रोल है, कस्टमर फेसिंग रोल है, और जनरली कस्टमर फेसिंग रोल्स को सैलरी ज्यादा रहती है बिकॉज ब्रांड रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? अगर कैपजेमिनी का है तो कैपजेमिनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, गूगल का है तो गूगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो तो डेफिनेटली बिजनेस एनालिस्ट में बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। हाँ राइट। बिकॉज कई ऐसे लोग होते हैं ना जिनको, जो बीटेक कर रहे होते हैं बट वो कहते हैं कि हमें कोडिंग वाले जॉब में नहीं घुसना है, या कई कोई भी डिग्री उठा लो हमें कोडिंग वाला नहीं करना है, तो वो ट्राई आउट कर सकते हैं डेफिनेटली, वो घुस सकते हैं। बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत ही प्यारा रोल है, और रिसेंटली 2-3 सालों में बहुत ज्यादा बूम पे जा रहा है। एंड आगे जाते जाते जैसे डेटा का रोल जो है ना बहुत ज्यादा लाइक कह रहे हैं ना एक्सपोनेंशियली इसमें ग्रोथ बढ़ रही है, तो भाई इस रोल को आप एक्सप्लोर कर सकते हो डेफिनेटली, घुस सकते हो। जिनको कोडिंग में इतना ज्यादा वो नहीं इंटरेस्ट नहीं है। एंड अगर हम इसकी बात करें, दैट इज अगर क्वेश्चंस की बात करें कि भाई जो इंटरव्यूज वगैरह रहते हैं इसमें क्या पूछते हैं लोग, जैसे आप कह रहे हो कोडिंग वगैरह नहीं पूछी जाती है, तो इसे पूछते क्या है, व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चंस, व्हाट दे आस्क, एक थोड़ा सा आप अगर आइडिया दे सको तो इंटरव्यू में। तो एज आई सेड इन द फर्स्ट गो, राइट, थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे आपका टेक्निकल राउंड नहीं रहेगा, कोडिंग वगैरह नहीं पूछी जाएगी। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस,
बिजनेस सिनारियो रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ओके एसक्यूएल या फिर एक्सेल के ऊपर थोड़े बहुत आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको बिजनेस सिनारियो रिलेटेड क्वेश्चन, तो जैसे मैंने फर्स्ट सेट में ही आपको बोला कि एसडीएलसी के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेट्स से आई गिव एन एग्जांपल कि कोई भी कंपनी को एक वेबसाइट बनानी है, राइट, तो व्हाट विल, अगर आप बीए हो तो आपका प्रोसेस क्या होने वाला, आप वो कैसे प्रोजेक्ट को लेके बढ़ोगे। तभी आपको एक सिस्टमैटिक वे में आंसर्स देना है कि पहले आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे, तो खुद बीइंग अ बीए रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे जाके, बाद में उसको स्ट्रक्चर्ड वाइज, बाद में डिजाइनिंग फेज होगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट साइन ऑफ वगैरह होंगे, डेवलपमेंट होगा, टेस्टिंग होगी, फिर जाके वो कस्टमर के सामने गो लाइव होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन राइट आप वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको वहाँ पे कोडिंग करने के लिए कोई नहीं बोलने वाला, मोस्ट ऑफ द केसेस में कोडिंग सिनेरियोस नहीं रहते, कोडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो आपको पूरा प्रोजेक्ट समझ में आना चाहिए। ऑल्सो तो लास्ट प्रोजेक्ट्स में आपने क्या काम किया है, आपका एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपका रोल वहां पे क्या था। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो पास्ट प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको कुछ एक्सपोजर ही नहीं मिला है तो आपको बेटर रोल नहीं ऑफर किया जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। बाद में एसक्यूएल के बारे में थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर टूल रिलेटेड पूछा तो, कि एक टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी क्वेरी होती है, डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए जॉइंस क्या होते हैं, राइट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एक बिजनेस एनालिस्ट की इंटरव्यू में, ये मैंने नटशेल में बताया, बट डेफिनेटली बहुत काफी और रहते ज्यादा हैं। हाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, हमने डेफिनेटली वीडियोस वगैरह बना के रखे चैनल पे इन डेप्थ, सो दैट आपको मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू डू कम विजिट दिस बीए प्रोफेशनल एंड वीडियोस आप देख सकते हो डेफिनेटली। डेफिनेटली, बिकॉज हम लोग एक क्या कहते हैं ओवरव्यू काइंड ऑफ बात कर रहे हैं, जिन जिन्हें इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं इस फील्ड के बारे में पता नहीं है, या इस फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया, उन्हें अच्छा खासा आइडिया भी हो जाए और क्या क्या चीजें पूछी जाती है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस सब कुछ पता चल जाए इस वीडियो के बाद। तो आशुतोष, एक और क्वेश्चन मेरे तरफ से, दैट इज अभी हमें पता चल गया कि भैया हमें प्रिपेयर कैसे करना है, रोड मैप पता चल गया, हमें सैलरी एक्सपेक्टेशंस पता चल गया, हमें कंपनी के बारे में तो बता दो कि कौन कौन सी बेसिक, लाइक कई पॉपुलर ऐसी कंपनीज होगी ना, हर फील्ड में पॉपुलर कंपनीज होती हैं जो बेसिकली हर रोल के लिए हायर करते हैं, तो इस रोल के लिए, बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए, कौन सी ऐसी कंपनीज जो हायर करती हैं? देखिए, जैसे मैंने बोला कि हर एक कंपनी को बीए लगता ही है, ठीक है, अगर स्टार्टअप है तो प्रॉब्लम वो नहीं लेंगे, बट अगर कुछ बहुत ज्यादा अच्छी कंपनीज या फिर गोल्ड या फिर ड्रीम कंपनीज जो बोलते हैं, तो वो बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स है, जैसे मिकिन्जी हो गया, बेन हो गया, ठीक है, डेलॉयड भी हायर करती है, प्रोडक्ट कंपनीज भी हायर करती है। प्रोडक्ट कंपनीज में एक और एडवांटेजेस रहता है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन साइकिल के बारे में भी पता चलता है, यू आर पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन साइकिल, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्फिग्रेशन वगैरह भी करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कंपनीज जैसे कि गूगल भी हायर करता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हायर करता है, मैं खुद लीड स्क्वायर में हूँ, लीड स्क्वायर ऑल्सो हायर करता है, तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज टू बी ऑनेस्ट हायर करती है। टीसीएस भी है, कैपजेमिनी भी है, सारी सर्विस कंपनीज, स्टार्टअप एंड प्रोडक्ट कंपनीज, हर रोल, हर कंपनी में बेसिकली ये रोल की डिमांड है, एंड आगे जाके और बढ़ेगा। द रीजन बढ़ेगा। इज प्रिटी सिंपल कि पास्ट में प्रोजेक्ट फेल होते थे बिकॉज रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रॉपरली नहीं होती थी, रिक्वायरमेंट्स वर नॉट क्लियर, तो एंड प्रोडक्ट जो बनता था दैट वाज नॉट अप टू द बिजनेस मार्क, ठीक है, तो इस वजह से ये रोल जो है वो आगे जाके भी बूम करेगा। प्रोजेक्ट फेलियर रेट बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं, ठीक है, कम हो गए हैं, तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज ये पर्टिकुलर रोल को ग्रो करने के लिए। राइट, बिकॉज लाइक देखो, कोई भी नया रोल होता है वो धीरे धीरे ग्रो होता है, और ये रोल जो है ना एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, एंड हमारे पास ये भी ऑप्शन कई लोगों में रहता है ना दिमाग में कि भाई कौन कौन से, अगर मैं इस रोल में घुसता हूँ तो भाई कौन कौन सी कंपनीज हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज बराबर की, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करो, बिजनेस एनालिस्ट की बात करो, डेटा इंजीनियरिंग की बात करो, बराबर की अपॉर्चुनिटीज हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, तो डेफिनेटली घुस सकते हो। तो यही सारी वीडियो थी, थैंक यू सो मच आशुतोष फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच फॉर टू कमिंग ऑन आर चैनल, शेयरिंग एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस एनालिस्ट, प्रॉपर रोड मैप के बारे में बात कर ली। आपके तरफ से अगर कुछ आप एडवाइस करना चाहते हो लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगता होगा कि हाँ ये चीजें मुझे पहले से पता होनी चाहिए थी, तो वो डेफिनेटली आप अभी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच अनुराग फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड द मोस्ट लास्ट वेलकम। एडवाइस विल बी कि हम लोग जब भी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी बैकग्राउंड में से ग्रेजुएट करते हैं, तो सबसे बड़ी मिथ रहती है कि अगर मुझे कोडिंग नहीं आती तो मैं आईटी में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स। देखिए, कोई भी कंपनी में जस्ट एक डिपार्टमेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, बट बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, एंड देर आर लॉट ऑफ नो कोड जॉब, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, उसके बाद में सेल्स डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स रहते हैं,
एंड देर आर लॉट ऑफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जब भी आप स्किल सेट ग्रो कर सकते हो एंड जॉब पा सकते हो. बिजनेस एनालिस्ट इज जस्ट वन ऑफ देम. इसके राइट बावजूद भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट एक्सप्लोर योर पैशन. अगर आप में पैशन है, कोई भी स्किल सेट अगर आप में निश है ना, तो आप उसमें करियर बना सकते हो. तो जस्ट फोकस ऑन इंप्रूविंग योर स्किल सेट एंड देर इज अ लॉट टू बी एक्सप्लोर्ड इन द आईटी इंडस्ट्री. डेफिनेटली. तो यही सारी वीडियो थी एंड थैंक यू सो मच अगेन आशुतोष. हम लोगों ने प्रॉपर आई थिंक सो हर एक चीज के बारे में बात कर ली, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या क्या होता है बिजनेस एनालिस्ट, फिर स्क्रैच से बात कर ली कैसे कैसे बन सकते हो, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सैलरी के बारे में, हर एक चीज. डेफिनेटली एक गाइड होने वाली जो वीडियो देख रहे हैं 100% सबकी हेल्प होगी. तो भाई जो वीडियो देख रहे हैं थैंक यू सो मच, आप कॉमेंट कर सकते हो थैंक यू सो मच आशुतोष, बिकॉज बंदे ने आके सारा कुछ शेयर किया है प्रॉपर क्लियर क्लियर प्रोसेस से, तो डेफिनेटली आप सबकी हेल्प होगी. तो ये सारी वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय.